मन माने कहे चरणेशियन साहिति बहोरी बोले राम कमल कर जोरी बोले राम कमल 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 कर जोरी। हे गुरु भगवान आज आपका यहां पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला है। यद्यपि किसी सेवक के द्वारा आपने मुझे बुलवा लिया होता तो मैं स्वयं चला आता, परंतु आपने यहां पधारकर हमें जो स्नेह दिया है जिससे यह गृह पवित्र हो गया, हे स्वामी मैं आपकी वंदना आपकी अर्चना किस प्रकार से करूं। मैं तो आपका सेवक हूं, आपके श्री चरणों का सेवक हूं। स्वामी की सेवा करना सेवक का परम कर्तव्य होता है, क्योंकि इसी में सेवक का हित छिपा होता है। आपने प्रभुता को त्याग कर यहाँ पधार कर हमें जो स्नेह दिया है उससे हमारा जीवन और हमारा गृह पवित्र हो गया, हे स्वामी कोई साधन नहीं सा धना के लिए कोई साधन नहीं साध ना के लिए कोई साधन नहीं साधना के तरह साधना और ये साधन करो किस तरह ये साधना और ये साधन करो पूज के चरणों का मैं तो वंदन करो पार्वती रज को भाती का चंदन करो कोई साधन नहीं सा बिना के लिए कोई साधन नहीं सा बिना के लिए पूछ के चरणों का मैं तो वंदन करूं मैं वंदन करूं पाव की रज को माथे का चंदन करूं जागे जो दर्शन हुए आपके भागे जागे जो दर्शन हुए आपके धन्य जीवन चरण जो छुए आपके धन जीवन चरण जो छुए आपके सेवक हूँ मैं सेवा करूँ प्रभु शरण फल कुछ मिले फल कुछ मिले पकड़ो प्रभु चरण सेवक हूँ मैं सेवा करूँ लीजे प्रभु शरण फल कुछ मिले
पकड़ू प्रभु चरण। स्पष्ट होता है कि हमारा जीवन सौभाग्य से पूर्ण हो चुका है। आप जो आए पहाड़े आई खिल गए मन सुमन। आप जो आए पहाड़े आई खिल गए मन सुमन। आप जो आए पहाड़े आई खिल गए मन सुमन। आप जो आए बाहर आई खिल गए मन सुमन। आपती आभाता राधा करो। आपती आभाता राधा करो। महर्षि के पावन श्री चरणों में इस राम का प्रणाम स्वीकार हो। पूज्य सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु तदप उचित जनु बोल सप्रीति पठाई काज नाथ असनीति प्रभुता तज प्रभु कीन स्नेहु भयउ पुनीत आज मम गेहु आयस होई सो करी गोसाई सेवक लहही स्वामी सेवकाई। स्वामी की सेवा करना सेवक का परम धर्म होता है। इसी में सेवक का हित भी है। इसलिए आप आदेश करें इस सेवक राम के लिए आपकी कौन सी आज्ञा है क्या इच्छा है। यह राम आपकी सेवा में तत्पर है प्रभु तत्पर है। क्यों नहीं राम कसना तुम कहो अस क्योंकि हंस वंश अवतंस ये केवल राम की ही बाड़ी हो सकती है। यदि विशेष कार्य था तदप उचित जन बोल सप्रीति पठय काज नाथ अस्नीति
ये केवल राम की ही बाड़ी है कि विशेष कार्य था, कोई सेवक को भेज देते, मैं स्वयं गुरु सदन आ जाता। नहीं राम, कनक भवन में आने का एक विशेष कारण है। कारण यह है, तुम्हारे पिता श्री महाराज दशरथ जी भूप सजेव अभिषेक समाजू चाहत देन तुम्हें युवराजू, तुम्हें अयोध्या का युवराज पद देना चाहते हैं। तो राम करह सब संयम आजू जेही विधि कुशल निभाहे काजू, तुम्हें और देवी सीता को व्रती अर्थात उपवास करना है, भूम पर शयन करना है, पैरों में किसी भी प्रकार के पद त्राण ग्रहण नहीं करने, कुल देवता का पूजन करना है और ब्राह्मणों को दान देना है। बस यही सब संयम बतलाने के लिए तुम्हारे कनक भवन में आया हूँ। अब मैं तुम्हारे पिता श्री के महलों की ओर जा रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो।